मैं महंत पांडे, पुत्र स्वर्गीय श्री संपत पांडे, ग्राम पोस्ट खरियान, जनपद आजमा का निवासी हूँ। मेरा मुकदमा चला 116 के तहत उप जिलाधिकारी मैंने के न्यायालय में फाट करने का आदेश हुआ। आदेश के अनुपालन में 23 जुलाई 2023 को लखपा जितेंद्र सिंह फरमाइश करने गए और जो नक्शा पारित हुआ है न्यायालय से उसके विपरीत पैमाइश किए और पुलिस के दबाव में सभी पक्षों से उन्होंने मनमाने ढंग से साइन करवाया। हमारा 15 बीघे के करीब ज़मीन है, कांटा संख्या 670, जिसमें से मौके पे रकबा 10-20 कम है और लेखपाल ने केवल एक आदमी संदीप पांडे पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र पांडे को खतौनी के मुताबिक पूरा हिस्सा नाप करके दे दिया गया और किसी का हिस्सा नहीं नापा गया। मैं चाह रहा हूँ कि जो नक्शा बना है न्यायालय द्वारा उसके दोबारा राजस्व टीम गठित करके पैमाइश की जाए। जैसे कि अभी आपने एक बात कहा है कि नक्शे के विपरीत पैमाइश हुई, अगर जब नक्शे के विपरीत जब पैमाइश हुई तो इसका एप्लीकेशन आप कहीं किए? मैं कई बार उप जिलाधिकारी महोदय से संपर्क किया, एप्लीकेशन दिया, थाना दिवस पर भी गया, थाना दिवस पर भी थाना दिवस प्रभारी उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार मेहनगर ही थे जिनके सामने अपनी बात रखा कि सर वो निर्माण कर रहे हैं, निर्माण को रोका जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य नहीं रुकेगा, मकान बनेगा, अगर आपकी मुकदमे में डिग्री होगी तो हम मकान को ध्वस्त करा देंगे। आज 15 दिन से मैं थाना और तहसील के चक्कर काट रहा हूँ, वन विभाग के चक्कर काट रहा हूँ। संदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय गजेंद्र पांडे मेरे सागवान के पेड़ लगातार काट रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज SDM साहब के महोदय के पास भी आया, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं, रात के समय पेड़ काटते हैं और जड़ से खोद के निकाल लेते हैं, अब रात के समय मैं अगर वहाँ जाऊँ तो मुझे मारेंगे भी, हो सकता है मार के हाथ पर तोड़ दें। 2 बार 112 नंबर भी आ चुकी है, मौके पे जाके देखी है, मौके पे उनको पेड़ भी मिला और जड़ भी मिला जो ताज़ा कटा हुआ था। वन विभाग के दरोगा भी आए, एक बार देख के गए। मैं अकेला आदमी, 65 साल उम्र है, मैं कितनी दौड़ भाग करूं कि मुझे न्याय मिल सके। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध यही है कि मुझे न्याय